फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लिखने को भी देगा पर मेरे को लगता है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो सेंसिटिविटी दो टाइप की है, करंट एंड वोल्टेज, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं अगर देखा जाए तो, एक का फॉर्मूला NBA by K है और एक का फॉर्मूला NBA by K times R है। तो यानी कि सेंसिटिविटी इंक्रीज अगर करनी है तो सबसे पहले क्या इंक्रीज किए जाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। एक स्टूडेंट आया वो कहता है हाँ बहुत बढ़िया तरीका है मैं सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगा, मैं कैसे, कहते नंबर ऑफ टर्न बढ़ाऊंगा, तो हम बढ़ा ले, कहते मैं 200 की जगह ना 2000 टर्न करूंगा। फिर एक स्टूडेंट आया अच्छा तू 2000 करेगा, मैं 200000 टर्न करूंगा। तो फिर मैंने उसे कहा 10 बंदे बुलाने पड़ेंगे तेरे गैल्वेनोमीटर को उठाने के लिए, इतने भारी, इतना भारी भारी मशीन बनाएगा तो इतने 3 mA का करंट ही मेजर करना और 10 बंदे उसको मेजर कर रहे हैं, ये कैसी मशीन है। तो तुम इतने भी नंबर ऑफ टर्न नहीं बढ़ा सकते कि तुमसे खुद वो मशीन उठाई ना जाए, तो एन की भी कोई लिमिटेशन है, समझ में आ रहा है। सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी पर लेकिन एन एक बियॉन्ड नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि हो जाएगा गैल्वेनोमीटर आपका, ठीक, ये एक प्रॉब्लम है। तो दूसरा स्टूडेंट आया कोई बात नहीं, पता एन थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, 200 की जगह 300 टर्न कर देते हैं, इसकी जगह बी बढ़ा देते हैं। हाँ मैंने कहा ये सही है क्योंकि टॉर्क, क्योंकि जो सेंसिटिविटीज हैं उनके फॉर्मूले के न्यूमिनेटर में एन बी ए आता है, तो कहता बी बढ़ा देते हैं। तो बी बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाएंगे। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कैसे लगाएंगे, वो कहता जो मैग्नेट की जो शेप है ना उसको कनकेव शेप देंगे ऐसी, ये देखो ये कर्व है मैग्नेट का, ये जो एंड है वो गोल है, कनकेव शेप मैग्नेट देंगे, सीधी मैग्नेट यूज नहीं करेंगे, हॉर्सशू मैग्नेट है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अब क्वेश्चन है फिर कनकेव से होता क्या है, कनकेव से ये होता है अगर आप इसका टॉप व्यू देखें ऊपर से इस पूरे अरेंजमेंट को देखें तो आपको ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा, इसके ऊपर ऐसे टर्न्स दिखेंगे, तो आपको ये डायग्राम ऐसा दिखेगा, आपको ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये आपका टॉप व्यू है, मैग्नेट की कटिंग देखो, देख रहे हो कनकेव है, नीचे सॉफ्ट आयरन कोर देख रहे हो, ये ना सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर यहां पर दिखाया नहीं है पर यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे लिपटे हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब ध्यान से देखो अगर मैं कोई मैग्नेट ऐसी लगा दूं सीधी नॉर्थ एंड साउथ तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी होंगी, देख रहे हो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। और सोचो अगर इसके अंदर नीचे अगर मान लो ये सॉफ्ट आयरन कोर है नीचे लगा हुआ है और ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट हो रहा है आपका, लाइंस प्रॉपर पास नहीं हो पा रही इसमें से, तो बी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, कमजोर हो जाएगा बी। इसकी जगह क्या किया, कनकेव लिया, कनकेव कैसे लिया, ये देखो ये शेप की मैग्नेट ली, ये नॉर्थ एंड साउथ, वो इसलिए ली क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी है ये किसी भी सरफेस को 90 डिग्री से शुरू करती है, 90 पे एंड करती है, तो ये लाइन ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाएगी 90 to 90 ऐसे, ये देखो 90 to 90, तो ये सारी लाइंस इस तरीके से जाती हुई दिखाएंगी आपको, ऐसी ऐसी जाएंगी। और इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर ये रहा और ये नंबर ऑफ टर्न्स है, कर्व होने से लाइन सीधा जाने की बजाय मुड़ी और फिर सीधी खुल गई, तो ज्यादातर लाइंस आप देख रहे होंगे लूप के अंदर से जा रही हैं, तो लूप को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलना स्टार्ट हो गया, इसलिए इसकी कटिंग कनकेव शेप की जाती है ताकि इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसलिए उसने क्या बोला, उसने बोला कि सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मैं कैसे यूज करूंगा, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट यूज करूंगा जो कि शेप में कैसी होती है, कनकेव होती है, ठीक हो गया। एंड और बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड के लिए कॉयल को किस पे लपेटूंगा, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो खुद एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इससे मेरा बी और भी बढ़ जाएगा। तो बी जिन तरीकों से बढ़ सके उन तरीकों से बढ़ा दिया, क्योंकि बी बढ़ने से टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ने से सुई घूमेगी और उससे सेंसिटिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉयल, वो कहता है जी एरिया आपने 4x4 का रखा, मैं 6x6 का रखूंगा। चौथा स्टूडेंट आया मतलब 8x8 का रखूंगा, कोई कहता 800x800, कोई तो कमरे जितना बड़ा रखूंगा, हाँ तो रख लो ना, कमरे इतना बड़ा गैल्वेनोमीटर देखा है आपने कभी, करंट तुमने मेजर 3 एम्पियर नहीं कर, 3 mA नहीं करना, कमरा तुमने पूरा भर दिया, तो इक्विपमेंट बाकी कहाँ रखेंगे, मैं कहाँ खड़ूंगा, तुम कहाँ खड़ोगे, मशीन ही ऑक्यूपाई कर जाएगी एरिया, तो इसलिए इतना बड़ा भी एरिया नहीं किया जा सकता, उसकी भी लिमिटेशन है। कुल मिला के
थोड़ा थोड़ा एन बढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा बी बढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा ए बढ़ा दिया, तो ओवरऑल टॉर्क बढ़ गया। ठीक है यहां तक?